हरियाणा की 90 के 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। नौशेरा से जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस को जम्मू रीजन में 6 सीटें मिली हैं। कश्मीर रीजन में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, यह जानकारी सामने आ रही है। पीडीपी सिर्फ 3 सीट पर जम्मू कश्मीर में अभी तक के रुझानों में आगे चल रही है और 11 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, तो निर्दलियों का नंबर एकदम से बढ़ा है और ये क्या कुछ होगा इन निर्दलियों के सारे देखना होगा। ये तस्वीर भी देखिए, बीजेपी 31 पर पहुंच चुकी है और निर्दलीय 11 पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 पर है, तो तस्वीर क्या बदल सकती है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। सोपोर से लेकिन अफजल गुरु का भाई आगे चल रहे हैं, ये जान पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, पीछे चल रहे हैं। सोपोर से अफजल गुरु का भाई पीछे चल रहा है, ये अहम सीट मानी जा रही थी और कहा जा रहा था कि समर्थन वहां आम लोगों का मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नौशेरा से रविंद्र रैना पीछे हैं, लेकिन अलग अलग फेज, जो 3 फेज में चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, हर फेज वाइज नतीजा क्या सामने आ रहा है और किस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, आइए वो आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव हुए थे, तो पहला चरण जो 24 सीटों पर चुनाव हुआ था, 24 सीटें और इन सीटों में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17 सीटें मिल रही हैं। पहले चरण की जो 24 सीटें हैं उसमें पीडीपी को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2, और बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। गौरव, बिल्कुल, ये पहला चरण था 24 सीटों का। अब जल्दी से दूसरा चरण आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो दूसरा चरण रहा उसमें 26 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे चल रहा है, पीडीपी 0 पर। इस चरण में पीडीपी को एक भी सीट नहीं दिख रही है और अदर्स 3 सीट पर आगे चलते हुए दिख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दूसरे चरण में जो यहां पर नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन तीसरे चरण के भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तो तीसरे चरण की जो सीटें थी, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान हुआ था और इन 40 सीटों में देखिए बीजेपी को 21 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें मिल रही है, पीडीपी को 1 और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही है। यहां बीजेपी को 21 सीटें मिल रही है क्योंकि तीसरे चरण में जम्मू संभाग की ज्यादा सीटें थी, 40 सीटें जहां पर तीसरे चरण में चुनाव हुआ था, और क्योंकि जम्मू में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है इसलिए यहां पर देखिए बीजेपी को 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 12 सीटें मिल रही है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को जम्मू में 6 सीटें मिल रही हैं, इसके अलावा घाटी में उन्हें सीटें मिल रही हैं। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त किस तरह की दिखाई और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, देखिए हरियाणा के आंकड़ों में उलटफेर हो रहा है, अब 60 से नीचे आ गई है कांग्रेस पार्टी। चौटाला परिवार में सिर्फ अभय चौटाला ही आगे हैं जो एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जेजेपी से वो पीछे चल रहे हैं, अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे रानिया से वो पीछे चल रहे हैं, भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई आदमपुर से पीछे चल रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी सीट मानी जा रही थी, सेफ सीट मानी जा रही थी। बंसीलाल की पोती श्रुति तो शाम से पीछे चल रही है, श्रुति चौधरी और गढ़ी सापला किलोई से हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो जो परिवार के, जो पारिवारिक राजनीति है हरियाणा की, उसके कई बड़े चेहरे या कह सकते हैं कई नए चेहरे हैं जो पीछे चल रहे हैं। लेकिन गौरव देखिए, मुझे जम्मू कश्मीर में जो अब आगे तस्वीर बदल रही है या जो बदली हुई तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें काफी दिलचस्प आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए बीजेपी और अन्य को अगर मिला दें, 31 बीजेपी और अन्य 11 है, कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल 45 पर है लेकिन बस एज पर बनी हुई है, पीडीपी के पास 3 सीटें हैं। बीजेपी ये लगातार कहती रही है कि उन्हें अन्य का समर्थन मिल सकता है, बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेगी, तो देखना यह है कि फाइनल आंकड़ा कहां पर जाता है। इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे कह जा रहे थे कि बीजेपी के प्रॉक्सीज हैं, हाँ। तो क्या वो बीजेपी के प्रॉक्सीज ही जीत रहे हैं या कोई और जीत रहा है? लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है स्टूडियो में उनसे बात करते हैं। संजीव जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं बशीर असद, जो कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे हरियाणा के आंकड़ों पर देखूं, अब 57 पर आ गई है कांग्रेस। हरियाणा में तो मुझे लगता है कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं 56, तो ये तो क्लियर कट है वहां पर, लेकिन हुड्डा सीएम, सैलजा सीएम, रणदीप सुरजेवाला सीएम, क्या इसको लेकर भी कोई आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है? नहीं, अभी तो नहीं लगता क्वेश्चन। अगर ये नंबर्स रहते हैं या कोई भी नंबर रहे, मुझे हुड्डा जी के चीफ मिनिस्टर बनने पे डाउट नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हुड्डा होंगे। पिता पुत्र में कौन होगा, वो भी शायद पिता ही होंगे, क्योंकि नंबर्स ऐसे नहीं आ रहे कि वो अपने बेटे को बना सके। 45-50 के बीच में दीपेंदर का भी चांस बन सकता था। और बेटे को बनाना भी चाहते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, ये मुलायम सिंह यादव के अलावा किसी ने कभी बेटे को बनाया नहीं, अपने बनाया नहीं है किसी ने, जीते जी। बट ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर हरियाणा का ये है, जैसे आप सुमेरा जी बार बार कह रही थी कि परिवार की राजनीति को ठुकराया है जनता ने, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। जनता ने क्लियरली
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव को देखा है, बाइपोलर हुआ है, तो उन्होंने जो भी इधर उधर की रिफ्रैफ थी उसको नकार दिया, क्योंकि उनको इसको देना है या उसको देना है, या कहिए बीजेपी को हराना है कांग्रेस को देना है, जो भी बाद में बीजेपी के साथ जा सकते थे उनको भी निपटा दिया। तो कहीं ना कहीं उनका डिसाइसिव निर्णायक मत है। और जम्मू कश्मीर में इंटरेस्टिंग है नंबर्स, बट मुझे नहीं लगता कि, देखिए 31 सीट के आसपास अगर बीजेपी रहती है तो कितने भी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हो, प्रॉक्सी उनके चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़े हैं ना, तो प्रॉक्सी उधर सारे नहीं जा सकते, वो फिर जीतने वाले के साथ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी अभी बदल रहे हैं आंकड़े, तब्दील हो रहे हैं, तो जो अभी हमारे स्क्रीन पर है उस पे एज ऑफ नाउ जो नंबर स्क्रीन पे उसके अनुसार कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि वो जनता की मैंडेट के अगेंस्ट जाना हो जाएगा। अगर इन नंबर्स के साथ बीजेपी सरकार बनाती है तो आप जनता की मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। क्या आप जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप पब्लिक की मैंडेट जो एक जने को 45 दे रही है, और 99% क्या होगा, कितनी भी लड़ाई हो पीडीपी कांग्रेस एनसी के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसका भी बीजेपी बड़ा एनिमी है।